हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक एंड रेड आई मेकअप लुक। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इस तरह के और भी कंटेंट आप लोग के लिए बनाते रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आई एम्स्टरडम का प्राइमर। मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप प्राइमर यूज़ करें, उसके बाद मेकअप अप्लाई करें। ये आपके स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है शुगर का ये ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। तो इसको हल्का सा शेक कर लिया है, उसके बाद इस तरह से ड्रॉपर से मैंने फेस पे डाल के और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इसे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ये फाउंडेशन है। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है और इसका फिनिश जो है वो भी बहुत अच्छा आता है। ये मीडियम टू हाई कवरेज है अगर आप बिल्ड करेंगे तो। मैंने एक ही लेयर अप्लाई किया है, उसके बाद ये मैं आई एम एम्स्टरडम की ही कंसीलर ले रही हूँ और इससे जहाँ जहाँ मुझे डार्कनेस है या फिर मुझे हाइड करना है डार्कनेस को, वहाँ वहाँ मैं इसे लगा के और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, तो मेरा कंसीलर ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ ब्लू हेवन की ये सफ़ायर लूज पाउडर ले रही हूँ और इससे मैं अपने फेस को, पूरे फेस को सेट भी करूँगी और अपने अंडर आई को बेक भी करूँगी। तो पहले मैं हल्का हल्का सा अपना पूरा फेस को सेट कर लूँगी। फेस, नेक, सबको अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लूज पाउडर को लेके इस तरह से अपने अंडर आई में प्लेस कर दूँगी। इसके बाद जो भी मैं आई मेकअप करूँगी ना, उससे अगर कुछ फॉल आउट होगा तो वो मेरे फेस को ख़राब नहीं करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ एलेटिन की ये काजल ली है और इसे रफली जो है अपने लिड एरिया तक अप्लाई कर लूँगी, और क्योंकि इसे आगे हमें ब्लेंड करना है। अगर आप क्रीम बेस के ऊपर पाउडर आई शेडो टॉप अप करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और पेक फिनिश उसका आएगा। ओके, तो अब मैं पहले काजल को हल्का हल्का सा उसके एजेस को ब्लेंड कर लूँगी ताकि हार्श ना दिखे। तो इसे मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड कर ले रही हूँ। ओके, तो अब मैं ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की विंकी आई शेडो पैलेट, उसमें से ये मैट ब्लैक शेड लेके और जहाँ हमने काजल अप्लाई किया है और ब्लेंड किया है उसके ऊपर टॉप अप कर दूँगी। देखिए कलर की पिगमेंटेशन जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ काजल को एज अ क्रीम बेस यूज़ किया है। तो इसके ऊपर जितना आपको ओपेसिटी चाहिए, डेंसिटी चाहिए कलर की, उतना हम बिल्डअप कर लेंगे और उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके और इस तरह से ब्लैक कलर के इसको स्मूथ कर दिया है। अब मैं ये रेड आई शेडो लेके और इसे अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी और साथ साथ ब्लैक के साथ ब्लेंड भी करते जाना है हमें। हमारा क्रीज जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपका आई मेकअप जो है बहुत स्मूथ दिखे। फिर ब्लैक के बगल में एक सेम मरूनिश ब्लैकिश काइंड ऑफ शेड है, शिमरी शेड, उसे लेके मैं अपने बस आईलिड एरिया पे हल्का सा सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे, वो पूरा ही मैट लुक ना दिखे। ओके, तो मैं इसे हल्का सा सेंटर में ही अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे रेड आईलाइनर लगाने के लिए लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ तो, और उसे एज अ आईलाइनर में ड्रॉ कर लूँगी एक विंग लाइनर। मेरे पास कोई भी रेड कलर की आईलाइनर नहीं है तो ये एक हैक है कि आप लिक्विड लिपस्टिक को एज अ आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मैंने आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है। ओके, जो भी प्रोडक्ट की लिंक है ना मैंने यूज़ किया वीडियो में, अब सब की बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइनर डन। अब मैंने जो भी एक्स्ट्रा पाउडर लगाया था
अंडर आई में उसे रिमूव कर दूंगी। और यहाँ मैंने ऑफ कैमरा दोनों आई मेकअप मतलब दोनों आईज कर लिए। अब मैं सेम काजल को अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद सेम जिससे मैंने ब्लैक आई शेडो टॉप अप किया था लेके वो ब्रश और इस तरह से काजल के नीचे नीचे तक हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं रेड आई शेडो लेके जो कलर हमने अपने क्रीज में अप्लाई किया है सेम मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर ले रही हूँ और ब्लेंड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आई लैश कर्लर लिया है और इसे अपने लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। और इसके बाद मैं ये शुगर का मस्कारा ले रही हूँ और इसे अपने अपर एंड बॉटम दोनों लैसेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैंने यहाँ स्टेक और की का ये लिक्विड हाइलाइटर लिया है और इससे अपने इनर कॉर्नर को जो है हाइलाइट कर लूँगी। कभी भी लिक्विड आईलाइनर अगर या ऐसे भी लिक्विड हाइलाइटर वगैरह ज़्यादा लग जाए तो उसे अपने फिंगर से इस तरह से हल्का सा डैब डैब कर देंगे तो सही हो जाएगा और ब्लेंड भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इनर कॉर्नर को हाइलाइट कर लिया है। अब हल्का सा अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी मैं। ओके, तो मेरा हाइलाइटर पार्ट जो है आई मेकअप पूरी तरह से डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि जो भी फाउंडेशन लगाने की वजह से जो फेस वाइट वाइट सा हो गया है कॉम्पैक्ट फाउंडेशन की वजह से तो उसको हमें अपने फेस को फिर से फीचर वापस देना है। तो इसके लिए मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। और आपका फेस अगर चबी है तो भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, आपका फेस जो है इसमें शेप में दिखेगा। अपने नोज़ को भी मैंने कॉन्टोर कर लिया है ताकि मेरी नोज़ जो है थोड़ी पतली दिखे। अब मैं एक बिग ब्रश लेके सबको ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग पाउडर मैंने अप्लाई किया था वहाँ वहाँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने सेम आई शेडो पैलेट का ही यूज़ किया है, उसमें से एक ब्राउन शेड लेके और एज अ कॉन्टोर उसे अप्लाई कर लिया है। कॉन्टोरिंग डन। अब मैं ब्लश के लिए यहाँ मेबलिन की ब्लश ले रही हूँ और अपने चीक्स पे उसे स्माइल करते हुए लगा लेना है। अब मैं सेम हाइलाइटर को अपने चीक बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ये हाइलाइटर जो है ना इसमें थोड़ी चंकी ग्लिटर्स हैं जो दिखते हैं तो नाइट टाइम के लिए ठीक है, इसे ब्लेंड करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो मैंने क्या किया है, ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने हाइलाइटर लेके और उसके बाद अपने ब्रिज ऑफ नोज फोरहेड चिन पे अप्लाई किया है। उससे क्या होता है कि उसकी चंकीनेस जो है ना वो उतनी ज़्यादा फेस पे नहीं लग रही थी। फिर मैंने अपने ब्राउ को फिल कर लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ लिपस्टिक के लिए एलेटिन की ये रॉक स्टार रेड या इसका शेड है, तो ये लिपस्टिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर ताकि हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत अच्छे टाइम तक स्वेट प्रूफ भी हो जाएगा। तो बस मेरा मेकअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ थोड़े बहुत पोज मार रही हूँ। इग्नोर दैट। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।